अगर हम बीएचयू कैंपस की ही बात करें तो यहाँ पर लगातार छेड़खानी की घटनाएं आम तौर पर होती ही है। ये रेप क्यों हो रहा है, हमें ये समझना चाहिए कि जो रेप करते हैं उनकी मेंटालिटी क्या होती है। रेप करने वाले जो हैं या तो वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर वो पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं। रेप करने वाले लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, न्याय व्यवस्था पे कोई उम्मीद ही नहीं रह गई है, इस कारण से उसको सुसाइड करना पड़ा। और आप देख रहे हैं न्यूज पैकेट और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। देश और प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं या हैं या नहीं, ये हम जानने के लिए आ गए हैं बनारस के बीएचयू में। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देश और प्रदेश में डंका पीटा जाता है कि हमारे देश में बेटियां रात में भी भ्रमण कर सकती हैं, लेकिन आए दिन देखा जाता है तो बेटियों के साथ क्या कुछ होता है, वो चीज़ हम सीधे तौर पर आते हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ पे छात्राएँ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि कितना ये सेफ हैं लोग और कितनी सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र भी है बनारस। ये बताइए कि आप एक बेटी हैं और बेटी के साथ साथ आप शिक्षा भी लेती हैं, आपको लगता है कि इस देश में बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हाँ। ये कहना बिल्कुल हास्यास्पद होगा कि जो आप बोले कि रात को भी बाहर लड़कियाँ घूम सकती है, बल्कि लगातार हम देख रहे हैं कि असुरक्षा बढ़ती जा रही है। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम बीएचयू कैंपस की ही बात करें तो यहाँ पर लगातार छेड़खानी की घटनाएं आम तौर पर होती ही रहती है। कुछ की रिपोर्ट जाती है, कुछ की रिपोर्ट नहीं हो पाती है, और उसके बाद हम बीएचयू प्रशासन से अगर बोलते हैं वो कोई सुध नहीं लेता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है बनारस का उससे बोलते हैं वो कोई सुध नहीं लेता है। तो ऐसे दर्जनों केसेस उनके पास पड़े हुए हैं जिनका कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बाकी हम प्रदेश की बात करें तो हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें सरकार जो है वो खुद आरोपी के पक्ष में भी जा रही है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो हाथरस की घटना है तो उसमें खुद सरकार ने ही जो पुलिस के द्वारा जो लड़की थी उसको जला दिया गया, बिना परिवार वालों को दिए वो जला दिया गया और जो आरोपी थे उनको पूरी तरह बचाया गया। वैसे ही सेम घटना जो है बुलंदशहर में अभी कुछ महीने पहले हुई है, जिसमें जो है जो आरोपी थे क्योंकि वो सत्ता के करीब थे, क्योंकि वो पावरफुल लोग थे, इस कारण से उनको बचाया गया। तो हम देख रहे हैं कि रेप विक्टिम मतलब जो रेप करने वाले लोग हैं उनको बचाया जा रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं। और आखिर अभी दो दिन पहले की एक घटना है जिसमें एक लड़की ने बोला है कि आत्महत्या नोट उसने बोला है कि वो पुलिस के कारण जो है ये सब की है। कि उसके साथ क्या हुआ कि उसका बलात्कार होता है, वो 8th क्लास की लड़की है और उसके बाद जो है वो घर पर सब कुछ बताती है। तो 8th क्लास की लड़की के लिए इतना टॉर्चर सहना उसका एक सामूहिक बलात्कार के बाद वो घर पहुंचती है, सबको बताती है, इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाती है, वो इतनी हिम्मत करती है, लेकिन पुलिस जो उसको झिलाता है, जो उसको टालता रहता है, जो बार बार उसको भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो उसकी पूरी की पूरी उम्मीद खत्म हो जाती है कि इस न्याय व्यवस्था से उसको कुछ मिल भी सकता है। तो ऐसी हमारी सरकार है, चाहे हम सेंटर की बात करें या फिर प्रदेश की बात करें, कि लोगों को न्याय व्यवस्था पे कोई उम्मीद ही नहीं रह गई है, इस कारण से उसको सुसाइड करना पड़ा। उसने ये लिखा है कि हाँ, जो पुलिस के टॉर्चर के कारण जो पुलिस ने उसको इतना परेशान किया कि उसको सुसाइड करना पड़ रहा है। रेप करने वाले जो हैं या तो वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर वो पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं, तो उनको साफ तौर पे बचाया जाता है। उसमें पुलिस, कोर्ट, न्याय व्यवस्था सब कोई उसमें इन्वॉल्व है उनको बचाने में। तो सबसे पहले तो इसको रोकना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर कोई कदम लेंगे, तो महिला सुरक्षा को लेकर उनका कदम लेना तो बहुत आगे की बात है। सबसे पहले वो आरोपियों को बचाना बंद करे, जो केसेस आ रहे हैं उनको संज्ञान मिले, उन पर एक्शन ले। ठीक है, एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार यूपी में काम कर रही है, आपको लगता है कि बेहतर काम कर पा रही है? एक्चुअली मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पुलिस ने एक टीम गठित की है जो लड़के छेड़छाड़ करते हैं उनको पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए, आपको कुछ ऐसा लगा अभी तक इस शहर में रात को चलती हैं या दिन में चलती हैं, कुछ आपको असहज महसूस हुआ? सरकार जो है वो बस, मुझे ऐसा लगता है कि बस नाम के लिए अलग अलग संगठन तैयार करना या अलग अलग पॉलिसी लाती है, लेकिन अगर उसको हम लोग ग्राउंड लेवल पे आके देखते हैं तो वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं होता है। रात तो बहुत दूर की बात होती है, हम लड़कियां दिन में भी सेफ फील नहीं करते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे भी लड़कियां अपने आप को सेफ फील नहीं करती हैं। आए दिन यहाँ पे कैंपस में ले ले या बाहर ले रहे लड़कियों के साथ छेड़खानी होते ही रहती है,
और अगर इस चीज़ को लेके अगर लड़कियां कंप्लेन करने जाती हैं, अगर पुलिस के पास जाती है, तो उन्हें ये बहाना देके कि अभी वो साहब नहीं आए हैं, अभी वो साहब नहीं आए हैं, पहले आप यहाँ पे जाओ, पहले उस चौकी पे जाओ, उन्हें दौड़ाया जाता है। और लास्टली ऐसा होता है कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, चाहे वो फैमिली के नाम को लेके हो कि चाहे उनके इज्जत के लेके इज्जत को लेके बोला जाए, उनके उस ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि वो अपना केस वापस ले ले। और अगर बाय दी वे अगर उनको कभी ऐसा न्याय मिल भी जाता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो न्याय कितने दिन तक उनको मिला रहेगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी हम लोगों ने बिल्किस बानो वाला केस देखा, उसमें उस टाइम पे उनको न्याय मिला, लेकिन अभी उनको फिर से जितने भी आरोपी थे उनको रिहा कर दिया गया, तो इस न्याय का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि ये जितनी भी जैसे कि कोई अगर पॉलिसी लाई महिलाओं के सुरक्षा को लेके, तो वो बस लाती है, वो कितना इम्प्लीमेंट होता है और कितने बेटर तरीके से काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी अच्छी काम करती है जिससे महिलाएं सुरक्षित फील कर सके, या जो आरोपी है उनके मन में डर पैदा हो कि हमें दोबारा ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, आपके ये बताइए कि आप यूपी के रहने वाली हैं या बाहर की? मैं यूपी से बाहर की हूँ। सबसे पहले मेरा आपको और सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनाली कुमारी है और मैं यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्नातक द्वितीय वर्ष दर्शन शास्त्र की छात्रा हूँ। तो जो आपका ये सवाल है कि लड़कियाँ इस प्रदेश में सुरक्षित हैं या नहीं, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मैं उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, बिहार से हूँ, पर यहाँ जितने समय से मैं रही हूँ थोड़ा बहुत माहौल मुझे पता चला। तो जैसा कि दीदी ने बताया लड़कियाँ सुरक्षित नहीं, मैं पूर्ण रूप से दीदी से सहमत हूँ, क्योंकि जैसे कि अभी आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जैसे कि अभी ये चाय की दुकान है, आपको लड़के लोग ज़्यादा मतलब कि किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते ज़्यादा मिल जाएंगे, चौक चौराहे हो गए, चाय की दुकान में कहीं भी लड़के ज़्यादा मिलते हैं। और ये रेप क्यों हो रहा है, हमें ये समझना चाहिए कि जो रेप करते हैं उनकी मैंटालिटी क्या होती है। हम जैसे कि रेप कर दिया कोई, उसको हम सज़ा दे दिए बहिष्कार के, सिर्फ कैंडल जलाने से ये सब रुकने वाला नहीं है, तो हमें उनकी मैंटालिटी को जानना होगा, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं। जैसे कि जो मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, जब हम लोग सेकेंड ईयर फोर्थ समय आए तो हम लोग की क्लासेस ऑनलाइन से ऑफलाइन हुई, ठीक। फिर हम लोग को हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ, उसमें जो है 19 से 20 लड़कियों को हॉस्टल मिला पूरे 8 फैकल्टी में, और लड़कों को मिला था 200 से 250। तो आप यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए कि यहाँ पढ़ने वाले सिर्फ यूपी से तो होते नहीं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, सब लोग बाहर से आते हैं, यहाँ तक कि देश के अलग अलग कोने से अदर कंट्री से भी आते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हॉस्टल अलॉटमेंट होती, लड़कियों को बढ़ चढ़ कर हॉस्टल मतलब हॉस्टल मिलना चाहिए। और जैसे कि सुरक्षा की बात की जाए, अभी रात हो रही है, जैसे मैं जिस एरिया में रहती हूँ मुश्किल से मुझे लगता है 7 बजे के आसपास आना मतलब सहज नहीं लगता। ये ज़रूरी मेरे साथ गलत होगा या नहीं, पर ये डर हमेशा बनी रहती है कि मैं अकेले सेफ नहीं हूँ। तो इस बात को मैं कैसे मान लूँ कि लड़कियाँ सुरक्षित हैं? मैं इस बात से सहमत नहीं कि लड़कियाँ सुरक्षित हैं। ठीक है, एक सवाल ये भी है कि हॉस्टल को लेकर चंडीगढ़ में एक वीडियो वायरल हुआ था, सारे लोग जानते हैं, एक लड़की की दुश्मन बन जाती है, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के या किसी और के चक्कर में सारी लड़कियों को वीडियो बनाती है और उस पर तमाम तरह के आरोप भी लगाते हैं कि तुम इस तरीके से नहीं करोगे, मैं इस तरह के तुम्हारे वीडियो वायरल कर देंगे। आपको लगता है कि जिसने वो करतूत ये की है वो सही की? इस तरीके से किसी लड़की का वीडियो शेयर करना, और ये हम देख सकते हैं कि ये कोई एक घटना नहीं है, ये बहुत ही आम घटना है। लगातार इस तरीके की घटनाएँ होती है जिसमें जो है कोई लड़का जो है किसी लड़की को धमकी देता है कि किसी भी चीज़ के लिए वो बोलता है कि वो उसके साथ रिलेशन में जाए, और अगर वो लड़की मना करती है तो वो उसको ये धमकी देता है कि वो उसकी फ़ोटो या उसकी वीडियो कहीं से भी लेके उसके पास होगी तो उसको वायरल कर देगा। तो ये एक बहुत आम तरीके की ये धमकी है जो कि दी जाती है और किया भी जाता है। इधर हम देख लें BHU में खुद ही इस तरीके के मामले पिछले कुछ महीनों में कई सारे मामले आए हैं जो बाहर नहीं आ पाते, जो कि दब जाते हैं। तो वही है कि ये सब चीज़ें लड़कियों के साथ बहुत आम है, क्योंकि लड़कियों को जो इस तरीके से समझा जाता है कि उनको एक शरीर मात्र तक सीमित कर दिया जाता है और उससे उनकी इज्जत जोड़ दी जाती है। तो उनको ये समझा जाता है कि अगर इनकी कोई ऐसी फ़ोटो बाहर भेज दी जाएगी तो उनकी इज्जत ही चली जाएगी, वो पूरा समाज जो है वो उनको खराब नज़रों से देखेगा। वो ठीक है, लेकिन आप एक घर में रह रही हैं और एक लड़की, आपका कोई वीडियो लड़का नहीं बना रहा है, सबसे बड़ी बात यह कि जो लड़की एक लड़की की जैसे दुश्मन कैसे बन सकती है? सबसे बड़ा ये सवाल है कि जिस तरीके से वहाँ पे चंडीगढ़ में हुआ वो वाकई शर्मनाक था। बहुत सारी लड़कियाँ आत्महत्या करने तक के हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मान मनोबल के बाद मानी नहीं। लेकिन आपको लगता है कि आप लोग भी हॉस्टल में रहते हैं, अगर इस चीज़ को अगर कोई रोकथाम नहीं लगेगा तो आगे क्या कुछ होगा?
मुझे ऐसा लगता है कि जो वो लड़की वीडियो बनाई थी वो इंटेंशनली, ऐसा नहीं है कि उसे बना के बहुत खुशी मिला होगा कि चलो हमने लड़कियों का वीडियो बना लिया, वो प्रेशर में आके बनाई। लेकिन प्रेशर में भी आके उसे नहीं बनाना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल गलत चीज़ है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि अगर वहाँ पे हॉस्टल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है वो अगर ज़्यादा सही होती, अगर वो लड़की कंफर्टेबल फील करती कि मैं अगर जाके वार्डन को ऐसा ऐसा बोलती हूँ तो डिसीजन जो है वो मेरे फेवर में आएगा, तो मे भी शायद कोई दूसरा रिज़ल्ट आ सकता था। अगर वो ऐसा फील करती कि अगर मैं जाके अपने टीचर को या फिर अपने अगर पेरेंट को बोलती हूँ तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट में एक्शन लेंगे, तो शायद वो ये काम नहीं करती। लेकिन इसके पीछे ये भी है कि उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको शुरू से ही ऐसा बताया गया है कि अगर तुम लड़का से रिलेटेड कोई बात अगर अपने फैमिली में बोलती हो, अगर अपने टीचर्स को बोलती हो या अपने हॉस्टल के वार्डन को बोलती हो, तो उसमें लड़कियों को ही गलत ठहराया जाता है कि तुम ही गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो इस वजह से भी वो ये की होगी क्योंकि उसे कहीं से कोई हेल्प का उम्मीद नहीं लगा होगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसने जो किया वो बहुत गलत था, उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, उसे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या हॉस्टल के वार्डन से बोलना चाहिए या अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है या जो कुछ भी कर रहा है, एटलीस्ट पुलिस में केस फाइल करनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बातें, एक चीज़ हमें बता दीजिए कि 2014 से लेकर अभी तक रेप अपराध के मामले घटे हैं या बढ़े हैं? बड़े ही हैं, बिल्कुल साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि बड़े हैं। और ये मामले, जैसे अभी बात भी रखी कि मामले एक बड़े भी हैं और साथ में जो दूसरी चीज़ हुई है कि सरकार का संरक्षण भी इन मामलों को मिला जो कि पहले नहीं था, कि इतने खुले तौर पर सरकार संरक्षण कर रही है। जैसे हम जम्मू के मामले में देखें जहाँ पे कथुआ में एक लड़की का रेप होता है, छोटी बच्ची का, और वो रेप जिसका होता है वो मुस्लिम लड़की होती है, आसिफा नाम की, और क्योंकि वो मुस्लिम लड़की का रेप है इस कारण से उसके जो रेपिस्ट है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उनके रेपिस्ट को जब सज़ा दिलाने की बात होती है उसके खिलाफ एक रैली निकाली जाती है कि नहीं, इनके रेपिस्ट को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये कितनी शर्मनाक, इतनी घटिया चीज़ है कि आप जो है एक समुदाय को, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो दलित समुदाय हो, आदिवासी समुदाय जिसको अभी टारगेट किया जा रहा है, उस समुदाय से महिलाओं को आप इंसान, मतलब आपकी इंसानियत ही नहीं है कि आप उनका रेप पर, आप रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और घटना हुई थी जहाँ पर बीजेपी के MLA द्वारा ही यूपी में हुई थी, उत्तराखंड में, अच्छा, तो वहाँ पर भी हुआ था कि बीजेपी के MLA द्वारा ही वो घटना हुई थी। गीता भंडारी उस लड़की का नाम था। हाँ। तो बात हो चुकी है। तो ये नहीं, ये यूपी का एक केस आया था, उसमें हुआ था कि उसको जो है बाद में ट्रक से उसके घर वालों को मरवाने की भी कोशिश की गई थी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये शायद उन्नाव का मामला था। हाँ, तो उन्नाव का ये मामला था। तो उसमें जो है बीजेपी के MLA द्वारा घटना की गई, उसको कैसे बचाया गया, कैसे उसकी फैमिली वालों को मारने की साजिश की गई, ये सब हम देख सकते हैं। ठीक है, ये बताइए कि आप 2014 से लेकर अभी तक पूरा जो पुलिस प्रशासन है आप उसको लेकर कितना नंबर दे सकती हैं? मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर हम लोग ये पर्सनली रेप के मामले में अगर देखें पर्टिकुलर, तो पुलिस प्रशासन को अगर मुझे 10 में से नंबर देना हो तो मैं 4 नंबर दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे और मैं पर्सनली भी उसमें इन्वॉल्व हूँ कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो अगर हम लोग पुलिस के पास जाते हैं बोलने को, तो वो तो सबसे पहली बात हमें हर एक स्टेज पे बोलते हैं कि तुम हमें प्रूफ दो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। वो हर, और अगर हम लोग प्रूफ दे भी देते हैं कि बकायदा अगर हम लोग CCTV की फुटेज दे दें कि देखिए ऐसा हुआ है, ये हुआ है, फिर भी वो बहुत तरीके से कोशिश करते हैं कि ये मामला आगे ना बढ़े, इस मामले को यहीं दबा दिया जाए। और वो हम लोगों को एक बहुत, मतलब बोल सकते हैं बहुत वाहियात सजेशन देते हैं कि एक बार तुम लोग आपस में, जो मतलब आरोपी पार्टी है उससे बातचीत करके मामला क्लियर कर लो वो, और अगर आरोपी पार्टी अगर उन्हें पैसा दे दे तो फिर पुलिस प्रशासन चुप ही हो जाती है। वो कोशिश करती है कि ये बात आगे ना जाए
और ज़्यादा डिस्कशन ना हो इस बात पे। और अगर अगर गलती से भी वो लोग FIR कर देते हैं बहुत बोलने के बाद, बहुत दौड़ इधर उधर का चक्कर लगाने के बाद, तो उसके बाद डायरेक्टली वो गार्जियन पे प्रेशर बनाना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली बनाए या फिर जो अपोजिशन पार्टी है उसके थ्रू बनाए कि ये FIR वापस ले लिया जाए। उस टाइम बहुत सारे क्लूज देने लगते हैं कि लाइफ का सवाल है, ये है, FIR है, इतना बड़ा भी कोई घटना। मैं एक पर्सनली बताना चाहूँगी कि एक मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो हम लोगों ने जब केस वहाँ पे दर्ज कराने गए तो उन्होंने बोला कि छेड़खानी का है तो मामला है, नॉर्मल सा केस है, इतना क्या सीरियस इशू बनाना। तो हम लोग देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं करती है, वो उसी के फेवर में बोलती है जो उन्हें अच्छा खासा रकम देते हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, और लड़कियों को न्याय मुश्किल से ही मिलता है, और अगर मिल भी जाता है तो वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। ठीक है, आप इसको लेकर क्या कितना सोचते हैं? जैसे कि इन्होंने बताया कि पुलिस की रैंकिंग 4 से कम की, तो मेरे ये कहना है कि अगर जो रेप के मामले हैं, अगर पुलिस को अपनी रैंकिंग अकॉर्डिंग टू गर्ल्स अगर बढ़ाना है तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, यही रहेगा। तो ये सारी लड़कियाँ थीं BHU की, अपनी बातें बहुत बेवाकी से बताई हैं, और सीधे तौर पर 10 में से उन्हें 4 नंबर मिला है। जो UP पुलिस हो या सेंट्रल पुलिस हो, सारे लोगों के पास। तो अगर ये वीडियो अगर देख रहे हो तो ज़रूर आप लड़कियों के कोई अगर ये गलत काम करता है तो जरूर उसकी मदद करें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।